यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अभय चौटाला के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी प्रतिक्रिया उनके खुद के लिए ही होती है। दरअसल अभय चौटाला ने कृषि मंत्री के बारे में अपशब्द कहे थे। प्रकाश धनखड़ कभी तो बयान देते हैं कि मेरा नाचने को मन करता है, कभी ओम प्रकाश धनखड़ जो है कपड़े उतार करके किसान के साथ खड़ा हो जाते हैं, और कभी विधानसभा के अंदर बिना ही बात के ताली पटके बजाते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ओम प्रकाश धनखड़ जो है राजनीतिक आदमी है, ये कोई जो डूम डल्ले होते हैं उस कैटेगरी से आया हुआ है, या ये वो जो इनर वाली कैटेगरी उससे आया हुआ है। राजनीतिक आदमी को राजनीतिक बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, कटाक्ष की भी सीमाएं होती है। महात्मा बुद्ध किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए गए थे और वो जिस यजमान के बाहर खड़े थे, जिस व्यक्ति के सेठी के, उसने उनको बहुत सारी गाड़ियाँ दी। भगवान बुद्ध ने उससे कहा व्यक्ति से, अगर तुम मुझे भिक्षा देते और मैं नहीं लेता तो किसके पास रहती? तो उसने कहा मेरे पास ही रहती, और इसलिए मैं कहता हूँ। उस भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे जो दे रहे हो मैं नहीं लेता तो वो भी तुम्हारे पास ही रहेगा, तो जो उन्होंने मुझे दिया है मैं नहीं लेता तो वो उन्हीं के पास रहेगा। और वहीं हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पानी बचाने के लिए ग्रवित नाम की योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के 1,00,000 नलों पर टोंटियां लगाई जाएंगी। शनिवार को झज्जर के गांव सुरहेती में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन पर टोंटी लगाने के अभियान की शुरुआत करने के बाद ये बात कही गई। सरकार प्रदेश की पानी की कमी के समाधान के लिए कई कदम उठा रही है। वर्तमान में हरियाणा में प्रतिदिन 484 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में किए जा रहे कुल पानी में से 1/4 यानी कि 121 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, इसलिए सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए ग्रवित योजना चलाई है जिसमें लोगों को भी सहयोग करना होगा।